हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीखो सिखाओ इंडिया वाले में और फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम वीडियो में फ्रेंड्स बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी डिजायर VXI गाड़ी 2023 मॉडल की। इस गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस की बात करेंगे, ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे और इसका एक्सटीरियर की बात करेंगे और इंटीरियर की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले इस गाड़ी की कीमत जान लेते हैं। ये गाड़ी एक्स शोरूम 7,44,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस रहने वाला है और RTO इंश्योरेंस अदर चार्ज लगाने के बाद ये गाड़ी आपको 8,50,000 में मिल सकती है। और यही मैं एक्सटीरियर यानी साइड प्रोफाइल की अगर बात करूं तो बॉडी कलर ORVM बिट टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, डोर हैंडल बॉडी कलर मिलने वाले हैं और टायर साइज की अगर बात करूं तो 14 इंच का टायर आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है। तो ये था इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल। और इंजन की अगर मैं बात करूं तो 1197 cc का इंजन आपको इस गाड़ी में मिल जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। पेट्रोल फ्यूल में ये गाड़ी आपको 22.41 का माइलेज दे देती है। बॉडी टाइप की अगर बात करूं तो सेडान बॉडी रहने वाली है। बूट स्पेस इस गाड़ी में 378 लीटर का मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं फ्रंट प्रोफाइल की। तो आपको एडजस्टेबल हेडलाइट मिल जाएगी हेलोजन में, टर्न इंडिकेटर और हेडलाइट भी हेलोजन में ही रहने वाली है। और यहाँ पर आपको जो फॉग लैंप है यहाँ पर क्रोम गार्निश मिल जाती है और बॉडी कलर बम्पर मिल जाता है और बीच में आपको क्रोम गार्निश मिल जाती है सुजुकी लोगो के साथ में। और अब यहाँ देख लेते हैं रियर प्रोफाइल। तो पावर एंटीना रहने वाला है, हाई माउंट स्टॉप लाइट LED में मिलने वाली है और टेल लाइट की अगर बात करूं तो ये भी LED में ही रहने वाली है। और इसके साथ ही इसमें टर्न इंडिकेटर हेलोजन में रहने वाला है और यहां पर एक टेल लाइट से लेकर दूसरी टेल लाइट तक क्रोम गार्निश दी गई है। और यहां पर आपको डिजायर और सुजुकी लोगो मिल जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं इंटीरियर की। इंटीरियर में आपको चारों पावर विंडो मिलने वाली हैं, मल्टी फंक्शन और पावर स्टेयरिंग रहने वाली है, एंटी क्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी मिल जाएगा, ड्राइवर और पैसेंजर एयरबैग्स इस गाड़ी में रहने वाले हैं, AC प्लस हीटर और टेकोमीटर इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर भी आपको इसमें मिल जाता है और मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले यहाँ मिल जाती है आपको, ग्लोब कंपार्टमेंट, डुअल टोन डैशबोर्ड कुछ इस तरह रहने वाला है। इंटीरियर सीट की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी फैब्रिक में ये सीट दी गई है और सीट स्पेस की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं, नीचे वाली सीट भी आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है। को ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड दोनों ही साइड आपको सनवाइजर मिल जाता है।